जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ऑप्शन है वो क्लोन, और इसके साथ ही एक पैरेलल ऑप्शन हमारे पास होती है स्टेप एंड रिपीट। ये दो ऑप्शंस हैं, अलग-अलग मौजूद हैं। एक में हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा कि अगर आपने क्लोनिंग करनी है, आपने अपनी जो आपके पास एग्जिस्ट करती हैं पेज लेआउट के अंदर, अगर आपको क्लोन रिक्वायर्ड है तो क्लोन कैसे बनाना है, और स्टेप एंड रिपीट से आप अपने पेज का लेआउट कैसे रेडी करोगे। कॉरल में ये दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिससे आप इजीली अपने पेज का लेआउट जो सेम शेप्स के साथ अगर आपको क्रिएट करना हो तो ये क्लोन, और दूसरी ऑप्शन है स्टेप एंड रिपीट। ये बात का जरूरत पड़ जाती है कॉरल में। इसको आप कभी भी पेजेस को अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो, अपने लेआउट से रेडी करना चाह रहे हो, ये दो ऑप्शंस मौजूद हैं। ये मेन्यू में मौजूद होती हैं, मेन्यू वाइज आपने इसको लेके चलना है। ये टूल नहीं है, ये एक मेन्यू की ऑप्शन है। तो सबसे पहले जी, ये आपके पास एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट, और इसमें अगर आपको रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ क्लोन्स, तो क्लोन आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो, ये आपके पास पेज है और पेज पे आप क्लोन बनाना चाह रहे हो कुछ, ये आप इजीली बना सकते हो। ये नहीं, इससे बहुत अच्छी क्रिएटिविटी हो सकती है कि अगर आप यहां पे कोई शेप बनाते हो और इस शेप को आप स्क्रीन के ऊपर शो करना चाह रहे हो, डिजाइन में शो करना चाह रहे हो, तो ये आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शन के थ्रू ये काम किया जा सकता है। तो फर्स्ट इज नोन एज क्लोन। तो अभी आज हम क्लोन को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लोन से क्या होता है। क्लोन ऑप्शन है, क्लोन आपकी ऑप्शन ये होती यहां है आपके एडिट मेन्यू के अंदर मौजूद है। इसके थ्रू आप ऑप्शन को यूज करते हुए, जैसे ये एक शेप है, अगर मैं आप इस शेप को स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिखाना चाह रहा हूं, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि एडिट मेन्यू में जाओ और ये आप यहाँ पे स्टेप एंड रिपीट को भी देख रहे हो, और एक ऑप्शन क्लोन को भी देख रहे हो, और एक ऑप्शन डुप्लीकेट को भी देख रहे हो, एक ऑप्शन कॉपी पेस्ट को भी देख रहे हो। इनका तमाम का मकसद एक ही है कि आपके पास जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, इसकी कॉपी बनाना। अब वो कॉपी पेस्ट से कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती सोर्स के साथ। अगर आप सोर्स के साथ कनेक्ट रखना चाह रहे हो अपने बनने वाले ऑब्जेक्ट को, तो क्लोन बना लो इसका। तो क्लोन पे अगर आप क्लिक करते हो, डुप्लीकेट बनाने से भी सोर्स के साथ आपकी किसी किस्म का कनेक्शन नहीं बनता, क्लोन से कनेक्शन बन जाता है। आपका सेम ऑब्जेक्ट की कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जो कि हो गई है। इसको अब आप इस क्लोन ऑब्जेक्ट को जहां पे भी रखना चाहो आप रख सकते हो। और मजे की बात है कि जब कभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज आएगा, आपका क्लोन ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा। लाइक आई वॉन्ट टू चेंज फिल, देख रहे हो जैसे आप चेंजेस कर रहे हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको साइज कर रहे हो, इसको रोटेट कर रहे हो, इस साथ में इसके रिस्पॉन्ड आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आप इसके स्ट्रोक के पे भी काम करोगे, आउटलाइन जिसे बोलते हैं या स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, तो ये भी उसके ऊपर भी इक्वलेंट आपको अपना रिस्पॉन्स जनरेट करते हुए नजर आएगा। ये तो है सिंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने एक सिंपल सा काम किया। अगर मैं आपको ये कहूं कि क्लोन जब आपने बनाया, और क्लोन के थ्रू अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मजीद इंक्रीज कर देते हो, क्लोन से ऑब्जेक्ट इंक्रीज, ये नहीं, ये तो एक ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया, इसकी क्लोन कॉपी बना लेते हैं, क्लोन को आगे फर्दर यूज कर लेते हैं लाइक दिस। ये चेक कर लो, कंट्रोल डी, ये चेक कर लो इसकी कॉपीज, ये कंट्रोल डी, ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए। अगर मैं आपको ये कहूं कि डिजाइन में अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हो, जो कि ऑब्जेक्ट्स की यहां पे आपको उसकी प्रेजेंस नजर आ रही है, आप जो सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको क्लिक करो और यहां पे इसको चेंज करो, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स देगा तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स। देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को आप टारगेट
करते हो सारे ऑब्जेक्ट की, वहां पर प्रेजेंस चेंज हो रही है, क्लोन ऑब्जेक्ट है, डुप्लीकेट पे नहीं होता, कॉपी बेस पे नहीं होता। और अगर मैं इसको ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज के साथ प्ले करता हूं, ये प्रॉपर्टीज ऊपर आपको दिख रही होगी, ये देखो पाई आर्क, जैसे आप इसको चेंज करते हो ऑटोमेटिकली वो तमाम ऑब्जेक्ट जिसके साथ कनेक्टेड होते हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लिप करता हूं, ये लो ऑटोमेटिक। और अगर आप शेप टूल को लेके इस पे काम कर रहे हो ऑटोमेटिक ये सारे ऑब्जेक्ट्स को इस तरह स्क्रीन के ऊपर, यहां तक कि मैं इसकी आउटलाइन को चेंज कर रहा हूं, स्ट्रोक की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, ईच एंड एवरीथिंग आपकी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसकी प्रेजेंस चेंज हो रही है। तो बाद का तो आपको क्लोन के साथ अपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, बजाय ये कि आप इस ऑब्जेक्ट के साथ बाकी ऑब्जेक्ट को खुद से मैनुअली चेंज करो, आप क्लोन बना के उसको अटेम्प्ट करो और उसका स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आपके पास आते जाएंगे। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक काम और करते हैं, एक तो ये पेज मैंने बना के दिखाया, एक और पेज बनाते हैं और इस बार मैं इसको अटेम्प्ट करता हूं, ये आपके पास एक शेप है, ठीक है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी बना लो, चले इस बार हम पॉलीगॉन बनाते हैं, ये पॉलीगॉन मैंने बनाया, नंबर ऑफ साइड्स मैंने इसकी हेक्सागन सेट कर दिया, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, शेप के साथ कर लीजिएगा, कलर इसमें हम प्लेस कर देते हैं लाइक दिस, और इसका एक क्लोन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्लोन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपने एडिट मेन्यू में जाना है और क्लोन पे क्लिक कर देना है, क्लोन ऑब्जेक्ट को अब आपने यहां पे पुट कर देना है और ये देख रहे हो जैसे आप उस क्लोन सोर्स के ऊपर क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर रहा है, यहां से कैसे जबरदस्त तरीके से। जो परफॉर्म कर रहे हो उसके मुताबिक क्लोन आपको स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स शो कर रहा है, इसका मतलब है एक अच्छी ऑप्शन है जिसको आप यूज करके अपना इस तरह का क्रिएटिविटी करना चाहो, स्क्रीन के ऊपर बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो ये क्लोन एक अच्छा आपके पास टूल है, ऑप्शन है जिसको आप अपने डिजाइंस इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट अगर आपने क्रिएट करने हो तो क्लोन आपके ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट कर लो, फिर उसको अपने डिजाइन के अंदर जहां इस्तेमाल करना चाहो वो कर लो, और प्लेस करने के बाद उसको आप क्लोन की प्रॉपर्टीज, क्लोन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज चेंज करो, ऑटोमेटिकली ये आपको स्क्रीन के ऊपर ये नजर आएगा। और अगर शेप टूल को यूज कर लेते हैं, इस बार शेप को अटेम्प्ट करते हैं, करना आपने मेन ऑब्जेक्ट को, ये तरह मर्जी डिजाइन पर फिल चेंज कर दो, स्ट्रोक चेंज कर दो, स्टाइल दे दो, ऑब्जेक्ट के साथ प्ले करो, वो आपको स्क्रीन के ऊपर उसके रिजल्ट्स आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। क्लोन ऑब्जेक्ट एक अच्छी ऑप्शन है, इससे आप डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन
लेके आ सकते हो, और इससे आप अपने ऑब्जेक्ट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपको चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हो, यहाँ तक कि फिर ये देख रहे हो। इसका मतलब जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ऊपर अवेलेबल हैं उनको आप इस्तेमाल करो, और आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ओरिजिनल वन है उसके ऊपर प्ले करो, वो आपका रिस्पॉन्स देगा इसवे स्क्रीन के ऊपर जहां पे उसको ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया है, ये चीज का काम। और डिलीट अगर कर दिया तो गया, एवरीथिंग इज गॉन। तो ये एक अच्छी आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने डिजाइन क्रिएट करो, और अगर पसंद आता है तो वेरी गुड, नहीं तो उसको जस्ट आप रिमूव कर दो। इसका मतलब ये जो क्लोन ऑब्जेक्ट बनाया था वो सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि मैंने इस डिजाइन में ये क्रिएट किया, चलो तो क्लोन का मतलब ये नहीं होता कि सिंगल ऑब्जेक्ट होगा उसके क्लोन कॉपी वो अटेम्प्ट होगी, नो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। आपको पता है मैंने आपको कल ही करवाई है ऑप्शन, ये कंबाइन कर लो, ठीक है। आप कोई इस तरह का एक्शन करना चाह रहे हो, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इसको शो करके कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, कंटेंट अपना बनाना चाह रहे हो, आप यहाँ से इजिली इसको कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू प्लेस इट्स क्लोन कॉपी, क्लोन कॉपी यहां से आती है, एडिट मेन्यू में जाओ और क्लोन पे क्लिक कर दो, बस इतनी सी बात है। उसके ऊपर आप अपने क्लोन ऑब्जेक्ट को यहां पुट कर दो, और करने के बाद इसके अगर आपने डुप्लीकेट्स बनानी है बना लो। ये ऑब्जेक्ट है आपका मेन, जैसे आप इसके ऊपर कोई भी एक्शन करोगे ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्ड करेगा, सारी स्क्रीन के ऊपर पड़े हुए ऑब्जेक्ट इस तरह आपको ये अलाउ करता है कि आप अगर कोई इस तरह के काम करना चाहो तो वो कर सकते हो, यहां तक कि समझ बात को। तो ये क्लोन काइंड ऑफ आपके पास कंटेंट अगर आपने डेवलप करना हो पेजेस के ऊपर तो एक अच्छी ऑप्शन है, इसके थ्रू ये काम किया जा सकता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो इसमें आपके पास है, बिल्कुल इसके नीचे ऑप्शन है स्टेप एंड रिपीट, नाम से जाहिर है कितने स्टेप लेने हैं कितने टाइम रिपीट करने हैं। स्टेप एंड रिपीट पे अगर आप जाते हो तो ये आपके पास एक मेन्यू की ऑप्शन आ जाती है। अब आपको इसमें कुछ सेटिंग बतानी पड़ती है हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, दो इसमें मेन आपने सेटिंग्स को टारगेट करना होता है स्टेप एंड रिपीट में। हॉरिजॉन्टल कितने नंबर ऑफ आइटम चाहिए, वर्टिकल कितने चाहिए, तो ये अगर आपने क्रिएट करना हो तो ये भी उसी तरह की मिलती जुलती ऑप्शन है, लेकिन इसमें कोई ऐसा काम नहीं होगा जो आप जो क्लोन के थ्रू कर रहे थे। ये करता क्या है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक है 100 है जितने भी हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप परफॉर्म करना चाहो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप एंड रिपीट के साथ, पहले हॉरिजॉन्टल को हम देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में जब जाते हैं इसकी तीन ऑप्शंस होती हैं, एक होता है नो ऑफसेट कुछ नहीं करना, एक होता है ऑफसेट, और ऑफसेट में आपने बताना होता है डिस्टेंस कितना। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 0.25, एक ऑब्जेक्ट दूसरे से कितने फासले पे आएगा, डिस्टेंस 0.25, बढ़ा भी सकते हो, ज्यादा करना है ज्यादा कर दो। मैंने तकरीबन 0.5 का डिस्टेंस है यहां पे ऑन कर दिया, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जितना आप करना चाहो आप कर सकते हो। और दूसरी बात वर्टिकल सेटिंग क्या करनी है, कितनी कॉपियां चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए, कॉपीज यहां बता दो, इसकी कितनी कॉपी चाहिए, मुझे 5 चाहिए 10 चाहिए 50 चाहिए, ये यहां से आप बता दीजिएगा। ये डिस्टेंस बताया, ये कॉपीज बताएं, और ये अप्लाई करने लगे। अब ये ऑब्जेक्ट जो स्क्रीन के ऊपर आए हैं नंबर ऑफ टाइम 10 आए हैं, और इसमें जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है वो 0.5 राइट जरूर नजर आ रहा है, लेकिन 0.5 वर्टिकल अप भी है, वो इसलिए है
कि आपने वर्टिकल में ऑफसेट को डेड नहीं किया, अंडू कर देते हैं, एक काम करते हैं इसको दोबारा से परफॉर्म करता हूँ, लेकिन इस बार मैं जरा वर्टिकल को भी चेक कर लेता हूँ क्या इसमें सेटिंग है जो इसने किया, वो सेटिंग है ये। अगर आप वर्टिकल इसको नहीं रखना चाह रहे, ऑफसेट को आप नो कर दो, अब आपका हॉरिजॉन्टल 0.5 के डिस्टेंस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं, कितने 10, ये लो बढ़ाते जाओ, बढ़ते जाएंगे, कम करने हैं, कम कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, अंडू कर देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि कभी कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके पास पड़ा हो और इसकी रेपिटेशन स्टेप वाइज चाह रहे हो, डिस्टेंस वाइज चाह रहे हो, यहां से कर लीजिए। मिसाल के तौर पे 1 इंच डिस्टेंस करना चाह रहा हूं, 1 इंच डिस्टेंस के ऊपर आपका, अच्छा ये जरूरी नहीं होता कि ये आपका पॉजिटिव साइड पे जाए, ये डिपेंड करता है पोजिशन के हिसाब से। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूँ कि मुझे ये सेंटर में ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द पेज मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब मैं अगर आप चाहूँ कि इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके लेफ्ट, इसके राइट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए जाएं, ये देखो इजीली हो जाएंगे, इस ऑप्शन के थ्रू आप इजीली कर सकते हो। इसकी डिस्टेंस या विड्थ हाइट हम देख लेते कितनी है, 0.5 कर लेते हैं, 0.5 कर लेते हैं ताकि एक सिमेट्री आ जाए ना, 0.5 कर लेते हैं। लो जी 0.5 विड्थ है, 0.5 हाइट है, और अब मैं इसको डिस्टेंस करने लगा हूं, चलो इसको भी 0.5 भी कर लेते हैं, मुझे बता सकते हो जैसे मैं अप्लाई करूंगा क्या होगा, किस साइड पे आएंगे ऑब्जेक्ट्स, लेफ्ट पे कि राइट पे, कितने आएंगे, ये होने लगे। और इसके अगर ऑपोजिट साइड पे करना होता तो क्या करूं, बिल्कुल इसको क्लिक करो और इसको माइनस कर दो, बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लेना, और नंबर ऑफ टाइम अगेन यू वांट टू गो विद 10, ओके, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया सिंगल को, ठीक है, माइनस 0.5, 10, ठीक है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इसके अबव चाहिए, क्या सेटिंग करूं, इसको नो कर दूं, हॉरिजॉन्टल तो नहीं ना करना, कुछ वर्टिकल करना है, वर्टिकल में ऑफसेट दे दो और इसको भी 0.5 कर दें। अब ये 0.5 किस तरफ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड में, प्लस है ना, प्लस 10, और इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना हो तो माइनस के साथ चले जाओ, क्लिक कर दो, पहले सेलेक्ट कर लेना उस ऑब्जेक्ट को और यहां से आप माइनस 0.5 कर देना, 10, ये लो। अगर आपको मैं ये कहूं कि ये मैंने ये सेंटर में ऐसे क्रॉस यहां पे लेके आने हैं, क्या करूं, क्या वैल्यू दूं इसको, क्रॉस में इधर लेके जाना चाह रहा हूं कॉर्नर साइड पे डायगोनल, ऑफसेट, दोनों ऑफसेट के साथ प्ले करना पड़ेगा, मुझे ये बताओ क्या कोऑर्डिनेट्स हूं इस तरफ राइट साइड पे, प्लस 2 माइनस 2 एक्स की, ये इधर कॉर्नर से डायगोनल ऊपर की तरफ, दिस वे, ये यहां पे, नहीं नहीं 45 एंगल शेंगल तो है नहीं इसमें, डिस्टेंस है 0.5, नहीं 0.5 एंड 0.5 साथ टच करते हुए आगे जा रहे हैं, 0.5 और यहां पे, यहां पे क्या था, माइनस ना दे, 0.5 देते, अब 10 ही लेने हैं, 10 ही दे दो, समझ आई है, 0.5 आपका 0.5 इधर और 0.5 ऊपर, 0.5 इधर और 0.5 ऊपर, 0.5 इधर और 0.5 ऊपर, इस तरह मूव कर रहे हैं,
और यही चीज मैंने अगर लेफ्ट साइड पे करनी है तो क्या करूं, माइनस कर दें, सीधी सी बात है। यहां पे जाओ और यहां पे हमें माइनस करना पड़ेगा एक्स एक्सिस, ये लो, और वाई एक्सिस क्या करूं, वाई एक्सिस ऐसे ही रहने दो, प्लस ही होगा कि माइनस होगा, वाई एक्सिस ऐसे ही रहेगा सेम, ये लो, समझ रहे बात को। इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके इस तरह का डिजाइन आप बना सकते हो, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसके वर्टिकल प्लेसमेंट करनी हो, की जा सकती है ना, वर्टिकली इसकी हाइट मैं कर देता हूं एग्जैक्टली 1 इंच, ठीक है, हाइट मैंने 1 इंच कर दी। अब इसको मैं प्लेस करना चाह रहा हूं वर्टिकली अपसाइड डायरेक्शन में, वेरी इजी वे टू डू इट। अब जस्ट इसमें ऑफसेट दो और मूवमेंट ऊपर की तरफ करनी है तो क्या होगा, वाई की वैल्यू चेंज करनी है, एक्स की वैल्यू चेंज करनी है, दोनों की करनी है, वाई एक्सिस ऊपर जा रहा है ना, वाई एक्सिस, और इसको क्या कर दोगे, नो मूवमेंट, नो, ये आप यहां से कर दो, और यहां पे जाके हम इसको मिसाल के तौर पे 1 कर देते हैं ऊपर 10 ऑब्जेक्ट, ये लो, देख रहे हो कितने सुकून से आप यहाँ पे अपना पूरा पूरा ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हो। बाद अगर आपको कोई फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है, फॉर्म कोई क्रिएट करना है, मिसाल के तौर पे ये एक एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, ठीक है, एडमिशन फॉर्म में आपने यहाँ पे बॉक्स जो के फिल करने के लिए यहाँ पे नेम, फादर नेम वगैरह यहाँ पे बॉक्सेस लगाने हैं, ठीक है, नेम वगैरह बॉक्सेस लगाने हैं, बॉक्सेस यहां पे आपको जनरेट करना है इस साइज का, ये बॉक्सेस आपने जनरेट करने हैं, ये मैं कर देता हूं 0.4 by 0.4, ये मुझे नंबर ऑफ टाइम चाहिए 10, यहां से कर लो एग्जैक्टली उस साइज के जो आप यहां पे देना चाह रहे हो, ये आप यहां पे चले जाओ, ऑफसेट बताओ, ऑफसेट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव साइड में जा रही है, और बिल्कुल ही अगर आपने इसको एक डिस्टेंस के ऊपर लेके जाना है, डिस्टेंस पे भी लेके जा सकते हो, डिस्टेंस वाइज आप स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, ये देखो थर्ड ऑप्शन भी देख लो, फर्स्ट आपने देख लिया नो सेट, नो ऑफसेट, दूसरा ऑफसेट, तीसरा स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट, चेक कीजिएगा, हाँ जी 0.5 डिस्टेंस, डायरेक्शन कौन सी, राइट और लेफ्ट, डिस्टेंस आपने 0.5, ठीक है 0.5 या 0.1, चलो 1 सॉरी 0.5 कर देते, 0.5 इज डिस्टेंस। अब ये ऑब्जेक्ट किस साइड पे आपने रखना है, इसके राइट साइड पे या इसके लेफ्ट साइड पे, राइट पे चाहिए, ठीक है, कितनी कॉपीज चाहिए, 10 चाहिए, क्या यही चीज इसके लिए भी चाहिए, ऑफसेट रिक्वायरमेंट है इसकी वाई की या एक्स के ऊपर काम करना है, फिलहाल मुझे एक्स के ऊपर ही करना है, तो देख रहे हो फासला, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का फासला, अगर आप इसको कनेक्ट करना चाह रहे हो, अंडू करता हूं, अगर कनेक्ट करना चाह रहे हो तो फासला आपने इसका पॉइंट, ना ना पॉइंट नहीं, इसका 0 दे दो, एक ऑब्जेक्ट जो साइज है ना करंट है, उसके बराबर में दूसरा लगा दे, उसके बराबर में तीसरा लगा दे, उसके बराबर में चौथा लगा, डिस्टेंस इज 0, ना 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 दे सकते, बिल्कुल छोटा सा थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है, मतलब ऑब्जेक्ट के जो साइज है उसके बाद ऑब्जेक्ट की स्पेस आएगी, स्पेस अगर 0 करोगे तो साथ में टच करेगा उसको बॉर्डर, बॉर्डर बॉर्डर के साथ टच करेगा, 10 बनने वाले हैं, ये देखो कितना सिंपल वे। और अगर मैं आपको ये कहूं कि ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए सारे इस तरह के, मैं 3 रोज बनाना चाह रहा हूं, क्या करूं, नीचे की तरफ 3 रोज बनाना चाह रहा हूं, जल्दी जल्दी बनाना चाह रहा हूं, विदाउट एनी डिले, क्या करें, डिस्टेंस अच्छा है, ये वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, नीचे की तरफ लेके आना, गो विद डिस्टेंस डाउन या आप कितने, 3 मिसाल के तौर पे। अब ये 3, ये 10 ऑब्जेक्ट के 3 रोज बनेंगे, ऐसे ही है ना, अप्लाई
कितने आराम सुकून से आपका एक्शन कंप्लीट हो रहा है। कभी अगर आपको ऐसे फॉर्म बनाने पड़ जाए तो ये एक इजी वे आउट है जिससे आप अपने इस तरह के फॉर्म्स को वेरी क्विकली एफिशिएंटली आप बना के कंप्लीट कर सकते। उम्मीद है आपको तीनों वेरिएशन का समझ आ गई होगी, चाहे वो स्टेप एंड रिपीट में डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा हूं, नो ऑफसेट, ऑफसेट स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट, क्लियर है? ये तीन ऑप्शन क्लियर हो गए, स्टेप क्लियर हो गए, अप्लाई करके आप अटेम्प्ट कर लो। इसका मतलब कभी इस तरह के डिजाइन अगर आपको रिक्वायर्ड हो जहां पे स्टेप एंड रिपीट आपको काम दिए जा सकते हैं, इसे लिया जा सकता है, तो यहां से कर लीजिए।